बाहर से तो कह देते हैं, हमें से कोई मतलब ही नहीं। नगर निगम में जाओ, वहीं शिकायत करो। क्यों कंगे अंगेला अंगेला हमें चल रहा है पीछे, तो तुम घुसो खींचा में और कहा है यही कंगों में। तो नाली साफ नहीं होगी, सड़क साफ नहीं होती है। अगर आएंगे भी तो 6 महीने बाद 2 महीने बाद आएंगे, उनसे बोलो तो ये कह देते हैं हम नहीं करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, कर लो जो करना है। आज नहीं कराएंगे वो कीड़ा मकोड़ा और बताते हैं इस गली को, ये करकट नाली मच्छर खा रहे हैं। कल होली के बाद में कल सफाई हुई है बोलते हैं, तो वो ये कहते हैं कि मतलब हम क्या करें। सफाई की सबसे मेन जो समस्या है, लोगों को खुद अपने घरों की सफाई करनी पड़ती है, नालियों की सफाई कर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है KIA न्यूज़ के खास प्रोग्राम पब्लिक पोल में। क्योंकि आपको पता है नगर निकाय उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का आगाज़ हो चुका है, तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। और हम जनपद फिरोजाबाद की बात करें तो पहले चरण में जनपद फिरोजाबाद में चुनाव हैं, यानी कि 4 मई को जनपद फिरोजाबाद में चुनाव हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ वार्डों का जायज़ा लेते हैं, पब्लिक की कुछ राय जानते हैं कि उनके वार्डों में इन 5 सालों में, बीते 5 सालों में कितना काम हुआ। आज हम वार्ड नंबर 29 में खड़े हुए हैं। वार्ड नंबर 29, ये यहाँ से पार्षद बीजेपी के पार्षद थे। यहाँ की जनता से जानेंगे कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या क्या उनकी अभी समस्याएँ जो बाकी रह गई हैं, तो पूरा जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? संजय कुमार। संजय जी, पिछले 5 साल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर, मतलब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की फिरोजाबाद में मेयर भी थी और भारतीय जनता पार्टी के ही इस वार्ड में पार्षद थे, तो क्या क्या विकास कार्य आपके यहाँ पर हुए हैं इस वार्ड में, आपके इस नगर में? कुछ कार्य नहीं हुआ है, ना तो नाली साफ होती है, कभी सफाई होती है यहाँ पे, ना कि दवाई मारने वाले आते हैं यहाँ पे, या कुछ नहीं होता यहाँ तो। पानी की स्थिति क्या है? पानी की सेटिंग गड्ढा, कभी कभी पाइपलाइन फट जाती है, कभी रुक जाती है, पानी वैसे ही आता है। साफ सफाई की बात कर रहे थे आप, साफ सफाई में क्या दिक्कतें आपको आती हैं? सफाई तो होती नहीं है यहाँ पे। क्या कह दिया जाता है? एक एक महीना वो सफाई झाड़ू वाला आता बस, और क्या आता, दो हम बंदे यहाँ क्या क्या काम करें, वो काम नहीं करते हैं। आपने कभी अपनी शिकायत क्षेत्रीय पार्षद से की? पार्षद से कई बार कह चुके हैं, पार्षद कहते हैं आप कंप्लेंट करिए, आप हम क्या कर सकते हैं। किसको कंप्लेंट कर? केंद्र से कई बार किया है। आपने बोला नहीं कि वोट हमने आपको दिया, कंप्लेंट किसके पास? बोलते हैं जो बोलते हैं वो, तो वहीं से जाइए, हम क्या करें। नगर निगम? यस। आप लोग कभी नगर निगम गए? नगर निगम में ज्यादा कंप्लेंट करिए, दो बार गए नगर निगम को। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या नाम है आपका? रिंकी चौहान। ये कौन सा वार्ड लगता है? 29 नंबर। 29 नंबर। यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं, मूल समस्या क्या क्या रही है? सभी समस्या ही है यहाँ पे, सब समस्या ही है, कोई भी समस्या हल नहीं हो रही है। कभी पार्षद के पास आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर गए, क्या आश्वासन दिया गया पार्षद की तरफ से? पार्षद तो कह देते हैं हमें से कोई मतलब ही नहीं, नगर निगम में जाओ वहीं शिकायत करो। वोट आपको दिया है तो शिकायत किससे करनी है नगर निगम में? कहते तो है लेकिन वो सुनते ही नहीं। सुनते नहीं है कभी? नहीं। बिल्कुल आरोप है कि पार्षद, यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद हैं, वो यहाँ की जनता की सुनवाई नहीं करते हैं। और भी कुछ लोग हैं यहाँ परेशान थे। क्या नाम है आपका? माया। माया जी, आप इस क्षेत्र की निवासी हैं, आप क्षेत्र में क्या क्या और समस्याएं आपको दिखती हैं? आपको दिख ही रहा होगा कि सड़क तो बनी ही नहीं है, जो बरसात हो जाती है तो कीच हो जाती है, निकलने की समस्या होती है। दूसरे नंबर पर सफाई नहीं होती है, नाली साफ नहीं होगी, सड़क साफ नहीं होती है। अगर आएंगे भी तो 6 महीने बाद 2 महीने बाद आएंगे, उनसे बोलो तो ये कह देते हैं हम नहीं करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, कर लो जो करना है। तो आपने क्षेत्रीय पार्षद से कभी बोला है? कभी नगर निगम गए हैं? फिर पानी की समस्या थी, यहाँ पर पाइपलाइन फट चुकी है, देखो अभी भी गड्ढा है, वहाँ पर बना नहीं है। तो फिर क्या आश्वासन दे देते हैं, मतलब हो जाएगा? अब चुनाव आ रहे हैं, अब नेता आएंगे आपके वार्डों में, पहले हमारा काम करें तो वोट लें। बिल्कुल, पहले काम उसके बाद वोट। लोग परेशान हैं, आम आदमी की समस्या होती है पानी, साफ सफाई और सड़कें, जो कि नगर निगम के ही क्षेत्र कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश शर्मा। ये कब से आप इस वार्ड के निवासी हैं? करीब 14-15 साल है। तो यहाँ पर 14-15 साल की ना बात करते हुए, पिछले 5 साल की हम बात करेंगे, पार्षद के द्वारा या नगर निगम के द्वारा यहाँ पर क्या क्या कार्य किए गए? ना शिकायत पहुँच चुकी बेटा निरी बार, पर कोई शिकायत सुनवाई ना होती। क्या क्या दिया जाता है आपको? हाँ कराएंगे, पहुँचो और कराएंगे। क्या कारण है इस क्षेत्र का? और ये कारण पार्षद जाने, नगर निगम जाने, क्यों नहीं कराते, क्या होता है,
ये पब्लिक क्या जान पा। वोट तो आपने दिया होगा। वोट दिया है तो वोट तो हमारा, आप मांग में आओगे तो आपको सीट को वोट दे रही है। तो आपके पास एक यही अधिकार होता है वोट के जरिए। यही अधिकार है तो भाई लालच में दे रहे हैं कि जब आम आदमी काम करेगा उसके बाद तो ना काम कोई कम भवन है। अब की 50 बार भागे, 1000 बार भागे तब तो एक सड़क नहीं करवा पाई, 50 बार भागे तब वो पानी करवा पाए। अपनी तरफ से कर करके भाज भाज के सब लेडीज गई, हर एक कौम गई, हर चीज़ गई, तब पानी की समस्या हल कर पाई। अब कूड़े करकट नाली मच्छर खा रहे हैं पब्लिक को, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं नहीं। मच्छर की याद तक कोई दवाई नहीं आई तो जो रोड पर नाले के ऊपर फुरक गए और चले गए। चलिए कुछ और लोगों से बात की। क्या 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 नाम है आपका? बीनेस। क्या क्या समस्याएं आती हैं आपको इस वार्ड में, क्या क्या समस्याएं हैं? सारी समस्याएं हमारी गली में, तुम्हें बात बताएं सही। क्या क्या सारी समस्याएं, जो भी गंदगियां है वो हमारी गली में। पीने का पानी आता है? पानी पीने का आता है, उसमें भी कभी कभी मतलब मिट्टी वगैरह आती है, कभी पाइपलाइन फट जाती है, कभी पानी आता है कभी नहीं आता। अच्छा, है साफ सफाई की व्यवस्था इस वार्ड में कैसे? साफ सफाई की व्यवस्था है, इस बार होली से पहले की नाली साफ हुई है, अब कल होली के बाद में कल सफाई हुई है नाली की। तरीके से सफाई होती है कि जब भी अगर उनसे बोला तो बोलते हैं तो वो ये कहते हैं कि मतलब हम क्या करें, दो ही मतलब इसमें वो कर्मचारी लगे हुए हैं सारे गांव में, हम क्या कर सकते हैं इसका। तो फिर आपने कभी साफ सफाई को लेकर पार्षद? नहीं, तो वो निकाल के डाल देते हैं तो हम उसको मतलब कूड़े को फेंकते हैं, चाहे 10 दिन हो जाए चाहे 20 दिन हो जाए। यहाँ के लोगों की समस्या ये है कि साफ सफाई की सबसे मेन जो समस्या है, लोगों को खुद अपने घरों की सफाई करनी पड़ती है, नालियों की सफाई। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? हेलो, सुषपाल नाम है मेरा। क्या वार्ड में कितने दिनों से रह रहे हैं? हमारा जन्म ही हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर क्या क्या विकास कार्य हुए पिछले 5 सालों की बात? कुछ भी विकास नहीं हुआ है। तुम्हारी गली में आते हैं 2 महीना बाद तो ₹8 वाल्मीकि पैसे लेने आते हैं, कोई परेशानी नहीं। ये परेशानी है, एक दुद्दा महीना कूड़ा डला है, नाली ऊपर अमर पानी चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। तो अगर आपको आपने उनको वोट नहीं दिया तो क्या विकास नहीं कराएंगे क्षेत्र में? विकास नहीं कराएंगे, वो कीड़ा मकौड़ा और बताते हैं इस गली को। क्या कहते हैं ये? जो कहते हैं इस गली में नहीं हो पाएगा काम कोई भी, कीड़ा मकौड़ा आए। आपने कभी अपनी शिकायत कभी नगर निगम? खूब शिकायत कर ली, बाहर अंत अंत भेजा है बार बार, कोई शिकायत में कोई फायदा नहीं मिला है। आपको पता है आपके जो वार्ड नंबर 29 है उसमें सबसे ज्यादा विकास कार्य नगर निगम के द्वारा कराए गए हैं, पूरे वार्ड की बात कर रहे हैं हम। अबे कराया है लेकिन अबे ये जो एप्लीकेशन दे देते हैं तो 2 दिन के लिए आ जाते हैं, फिर 1 महीना के लिए गोल। तो समस्याओं का अंबार है यहाँ पर। लोगों की जो मूल समस्याएं हैं पानी, लोगों की जो मूल समस्याएं हैं पानी, साफ सफाई और सड़कें, वही समस्या पूरी नहीं हो पा रही है, वहीं उनकी सुनवाई नहीं होती है। 2 महीने हो जाते हैं, लोगों का यही आरोप है कि 2 महीने हो जाते हैं तो यहाँ साफ सफाई वाले नहीं आते हैं। समस्याएं बताओ यहाँ की, समस्या कैसी है? देखो जे गली कैसी डरी है, और नालना में पूरा दुनिया का भरा हुआ, इतने इतने ढेर लगे हमारे दरवाजे पे, कहूँ महीना दो महीना ना आता कि सफाई करे भी। बारिश के दिनों में क्या क्या समस्याएं आती? बारिश में चिकंदा इतने इतने घोटनों में चलता है। हाँ, कभी आपने पार्षद से शिकायत करी? पार्षद बेवकूफ की बजाता है, पार्षद कोई ना सुनतो, गेंदा लाल जो मेहता जो पैसा भर देता है बस काम है। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई ना होती। पानी की कैसी व्यवस्था है यहाँ पीने के पानी की? पानी तो सही आता है, पानी सही आता है। हाँ, समस्याएं सड़कें और सफाई की? हाँ, हमारे आराम तुम देखोगे इतने इतने घोटनों में जाता है पानी। पाइपलाइन तो टंकी तो हमारे आराम ही है। अच्छा, हाँ, कोई व्यवस्था ना नहीं, जैसे जी नाली है तो अच्छी है। अब चुनाव आ रहे हैं नगर निगम के दोबारा से, प्रचार करने नेता आएंगे, पार्षद जो उम्मीदवार हैं वो आएंगे, तो आप क्या कहेंगी आप उनको? यही बात कहूंगो। क्या कहेंगे? यो कहेंगे अंगेला अंगेला हमें चल रहा है पीछे तो तुमको सौ खींचा में और कहा है यही कंगो में तो उसके बाद वोट मिलेगा। हाँ, तब वोट मिलेगा, पहले हमारी सड़क बनावा। और अगर आपके वार्ड में भी कोई ऐसी समस्याएं हैं, आपके वार्ड में आप अपनी समस्याओं को आप उजागर करना चाहते हैं ताकि, क्योंकि चुनाव का समय है, नेता आएंगे आपके वार्ड में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, हम आपकी समस्याओं को की आगे आवाज़ उठाएंगे। तो ये थी वार्ड नंबर 29 के लोगों की राय, उनकी समस्याएँ, क्या क्या उनको समस्याएँ हैं, उनकी क्या क्या मूल समस्याएँ हैं। फिर मुलाकात होगी अगले वार्ड में, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन शैलेश झा के साथ दिव्यांशु कुलश्रेष्ठ, KIA न्यूज़, फिरोजाबाद।